सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के चंपई नगर में एक महिला की उसकी सास ने सरेआम सड़कों पर पिटाई कर डाली और उसे घर से निकाल दिया। क्या कसूर था रीना का? बस इतना कि उसने एक बेटी को जन्म दिया। आप देख सकते हैं किस प्रकार महिला को उसकी सास ने बीच सड़क पर डंडे से पीटना शुरू कर दिया। वहीं रीना के पति राकेश ने भी अपनी माँ का पूरा साथ दिया। पूरा सभ्य समाज तमाश बीन बन देखता रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ना जाने कितने प्रकार के स्लोगन केवल बैनरों और पोस्टरों तक ही सिमट कर रह जाएंगे। क्या इसी प्रकार से रीना जैसी महिला दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? गाते निकाल दे पटाने के लिए हमको बोलता गाते लाओ लाओ हमको गैस चूल्हा छोड़ के मारना चाहता थे गैस लाने के लिए मारता था हमको। 7 साल पहले इसकी शादी हुई है, इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद से ससुराल वाले ने इसे घर से निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद इसका केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है। अभी ये जानकारी मिल रही है कि इसके पति ने दूसरी शादी कर ली, ये अपना कुछ सामान लेने के लिए शायद यहाँ आई थी, लेकिन आने के साथ मैंने जो देखा वो बहुत ही दुखदायी है। बहुत सोचने का विषय है कि आने के साथ उसकी माता लड़के की माँ डंडा लेकर के आई, धड़ाधड़ इसे ताबड़तोड़ मारी है। एक बच्ची को जन्म देने का इतना बड़ा अगर उसके ऊपर में सजा मिले तो आज मैं ये कहती हूँ धिकार है इस सरकार के ऊपर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सुरक्षा का कानून चल रहा है ये गलत है। देखिए उस कानून का उल्लंघन कैसे हो रहा है।